हेलो स्टूडेंट, शिक्षा एफ एम दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तुहाडा स्वागत है। मैं देवेंद्र यादव, तुहानू अज मैं बहुत ही इंपोर्टेंट जिहड़े एम सी क्यू है या जिहड़ा 30 अक्तूबर का स्कूल लाइब्रेरियन का पेपर होया सी 30 अक्तूबर 2022 का पी ट्रिपल एस बोर्ड ने पेपर लिता सी। एक 2021 दे विच लिता सी, 693 भर्तियां सी, 700 कुछ भर्तियां सी, उन्होंने थोड़ी कट करती सी। तो उस तो बाद बैकलॉग आई सी 72-73 नंबर वैकेंसी जी है। जिहड़ा पेपर होया सी 30 अक्तूबर का, वह मैं तुहानू डिस्कस करवाण समझाण की कोशिश कर रहा हूँ। इस पेपर नू मैं 3-4 पार्ट्स दे विच डिस्कस करवाऊँगा, जिवें जिवें तुसीं देखोगे किस तरीके दे पेपर उहदे विच आया विया है। जिहड़े भी स्टूडेंट इस चैनल ते नवे ने, सब तो पहला काम तुसीं इह करी दिया करो, मेरे बिना पुछे लाइक तुसीं हुणे ही कर दिओ, ठीक है ना। हाँ जी, बैल आइकन नूं तुसीं जरूर प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो तुहानू टाइम टू टाइम जिहड़ी है वह मिल सके, ठीक है भाई। अपना पहला ही क्वेश्चन देखो, तुहानू मैं जिस तरीके नाल इह गल कही सी कि तुहानू पेपर दे विच आएगा की हुण जिहड़ा नया सिलेबस तुहाडे आएगा उहदे विच तुहानू पंजाबी ए दा 50 नंबरां दा पेपर आएगा जिहदे कोई भी नैगेटिव मार्क नहीं होएगी। 70 नंबर का तुहाडे टैक्नीकल आएगा, 30 नंबर का तुहाडे जिहड़ा जनरल पेपर आएगा, 30 नंबर जिहदे विच जीके भी आएगी, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, वह प्रश्न आणगे। जिहदे विच पिछला जिहड़ा पेपर सी उहदे विच आह क्वेश्चन आया कि हुसैन बोल्ट किस गेम नाल संबंधित है। तो हुसैन बोल्ट एक अथलैटिक्स मैन सीगा जिहड़े जिन्हां ने 9.67 9 सैकेंड और 67 मिली सैकेंड दे विच जिहड़ी रेस है उन्होंने क्वालीफाई की। हो सकता है आंकड़ा जिहड़ा है वो ठीक है ना, यानी कि 9 सैकेंड दे विच उन्होंने 100 मीटर रेस जिहड़ी है वो पार की सी। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हों का हैगा है, वो अथलैटिक्स नाल संबंधित हैगे। हालांकि मैं जीके का टीचर हाँ नहीं, ता ही मैं तुहानू दसना हाँ हुसैन बोल्ट कितों के खिलाड़ी है। यह जो क्वेश्चन है जीके का क्वेश्चन है, समझ आ गई बई। तो तुम्हें यह गल का ध्यान रखना है उन्होंने किन्ने सैकेंड किन्ने मिली सैकेंड दे विच रेस क्लीयर की है, यह भी तुम्हें ध्यान जिहड़ा देना है। 9.67 भी हो सकता है, 9.69 भी हो सकता है, वह एग्जैक्टली मैं जिहड़ा है याद है नहीं, ठीक है बई। हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम योजे ध्यान रखना है, योजे क्वेश्चन भी तुहाडे पेपर दे विच आउणगे। ये जीके का क्वेश्चन उठा हुआ सी, ठीक है बई। तो यह क्वेश्चन सौखा सी क्योंकि ये क्वेश्चन का पल्ले ही कुछ है नहीं कि किहड़े खेल नाल संबंधित है, सारिआं नूं ही पता होगा ये तो। पर अगर क्वेश्चन पुछजे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किन्ने सैकेंडा का बनाया, पर यह क्वेश्चन है योजे पेपर च आते हैं जेडे क्वेश्चन आते हैं। ये साडा ऐप है जिन्हों तुसी जरूर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है बई। जदों तुसी ये ऐप डाउनलोड करोगे इनू तुसी फोन दे विच तुहानू ये मोबाइल नंबर मंगेगा, तुसी मोबाइल नंबर पा दोगे, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा नंबर है की करेगा, इस तरीके का इंटरफेस तुहानू खुल ओपन हो जाएगा। किस तरीके का, आ देखो बई, जिस तरीके नाल ये साडे मास्टर कैडर PTI PSTET ये जिहड़े बैच है साडे कोल चल रहे ने, जिहदे विच आ देखो लाइब्रेरी रिस्टोरर का बैच एवें इस तरीके नाल ओपन हो जाएगा। जिवें ही तुसी कंटेंट ते जाओगे, जदों पेड बैच तुसी जेकर तुसी पेड बैच साडा अजे तक नहीं लिया तो तुसी इत्थों क्वालिटी साडी चैक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो MCQ सीरीज सारी भी MCQ सीरीज लाइब्रेरी दे विच मैथ दीआं क्लासां, रीजनिंग दीआं क्लासां, उस तो बाद पंजाब हिस्टरी बाय प्रियंका मैडम, आ फ्री PDF है। कितने गई PDF, ठीक है बी। जड़ी है ये जड़ी PDF है ये फ्री PDF है, ठीक है ना। तो यह फ्री PDF से जो तुसी क्लिक करोगे तो इतों देख सकते हो भी तुहानू फ्री PDF जी है वो कि मिल रही है। देखो किस तरीके नाल स्कूल लाइब्रेरियन का क्वेश्चन पेपर भी जिहड़ा हैगा इहदे च हैगा, ठीक है ना। लाइब्रेरी मैनेजमेंट की जी PDF भी है वह पई भी है, ठीक है ना। मैं तुहानू इस दे विच समझाना की चाहना, मैं ये गल समझाण की कोशिश कर रहा हाँ जिस तरीके नाल जिहड़ा भी असी क्लास दे विच कराया वो क्लास नोट्स भी तुहानू मिलणगे। आ देखो किस तरीके नाल इन्हां दी PDFs तुहानू मिलणगियां, ठीक है भी। पंजाबी ए की तैयारी किस तरीके नाल करवाई जाती है, देखो हिस्टरी ऑफ गुरु, जदों तुसी हिस्टरी ऑफ गुरु के फोल्डर से जाओगे तो ये देखो मैडम जी जिहड़े साडे मैडम ने मनप्रीत जी उन्होंने ये सारा जिहड़े तुहानू करवाए है किस तरीके नाल। आ देखो गुरु नानक देव जी दीआं जिन्नियां भी बाणी वगैरह है, ठीक है ना। आ देखो किस तरीके नाल इन्हां ने दर्शाया गया है, किस तरीके का इन्होंने दस्या गया है उहदे विच, ठीक है ना। किस तरीके अजकल ये आता है जपजी साहिब के अंत दे विच ये गल लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये गल तुसी ध्यान देनी है बच्चों,
मेरी गल समझ आ गई ना। तो बेहतरीन बैच जिहड़ा है साडा ये चल रहा है, आ देखो बीर काव भी उहदे च करवाया गया है। जिहड़े बच्चे 59-94 ETT का पेपर दे, उहनां दा पंजाबी का पेपर बहुत टफ सी, ठीक है ना। उस तरीके जिहड़े बच्चों ने फायरमैन का पेपर दिता उहनां दा पेपर 13,000 बच्चा सीधा ही बाहर है। एक्साइज इंस्पैक्टर 38% बच्चा सीधा ही बाहर है पंजाबी ए चो। ये क्वेश्चन तुहानूं आउणगे, बीर काव है, कविता भाग है, ठीक है बई। इहदे विच देखो तुसीं कविता भाग दे विच की करवाया है, तनी राम चात्रिक जी हैगे है, भाई वीर सिंह जी हैगे है, प्रोफेसर पूरन सिंह जी हैगे है, पार्ट टू उन्हां दा है, प्रोफेसर मोहन सिंह जी है, अमृता प्रीतम जी है, इन्हां दीआं सारीआं जिहड़ीआं है मैं तुहानूं इह समझाउण दी कोशिश कर रहा हाँ। समझ आ गई बई। उस तों बाद जिस तरीके नाल दर्शाया गया है कि जिस तरीके नाल आपां गल कर लईए, ये जिहड़ी टैक्नीकल वीडियो का सैक्शन है ये लाइब्रेरी एसोसीएशन, ये नैटवर्क है, ये कंसोर्टिया है, ये टाइप ऑफ लाइब्रेरी है, ये तुम देखो लॉज ऑफ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्लासीफिकेशन है, लाइब्रेरी कैटालॉग है, ये सारे बारे इन्हों बारे दर्शाया गया है। आ देखो किस तरीके कंप्यूटर की इनफॉर्मेशन भी है, सॉफ्टवेयर भी है, नाल PDF भी है, सारा गल भी तुहानू उत्थे जिहड़ी है ये साडे इस दे विच मिल जाएगी भाई, ठीक है बई। हाँ जी, तुम ये गल का ध्यान रखना है, मैं तुहानू यही गल समझाने की गल जिहड़ा है कर रहा हाँ। हाँ जी, अपना अगला जिहड़ा क्वेश्चन जिहड़ा मैथ का आया सी वह किस तरीके का क्वेश्चन आया सी, ठीक है बई। तुम ये ध्यान देना है, इन्हें बोलिया की है कि प्राइस ऑफ शुगर, शुगर दे प्राइस 25% वध गए, किन्ने वध गए 25% वध गए, एक हाउसवाइफ अपनी कंजम्पशन नू किन्ना कट करे कि वह अपना खर्चा उहदा सेम रहे। ये सवाल जिहड़े बच्चे मेरे पेड बच्चे दे इस वीडियो नू देख रहे हैं, तुसी देख लो टाइप टू दे जिहड़ी मैं करवाई है उस तो ही सवाल आया हुआ है। करना किवें इस सवाल नू, देखो बई इहनू प्राइस नू मैं पी लिखूंगा, कंजम्पशन नू मैं सी लिखूंगा यानी कि खपत, और एक्सपेंडिचर नू मैं खर्चा लिखूंगा। इन्हें बोलिया प्राइस किन्ना वध गया, मान लो प्राइस किन्ना सी 100 सी पहला, 120 वध गया, जीरो नाल जीरो कट गई, दो दे पाड़े ते आ 6 ते, दो दे पाड़े ते आ 5 ते, बोलो हाँ। जदों भी कदे भी प्राइस वधदा है, प्राइस जदों भी वधदा है तां खपत हमेशा कट जांदी है। प्याज दे दाम अगर प्याज मान लो 6 रुपए किलो सी तां आपां गट्टा गिरा लैंदे आ, जे हुण प्याज 40 रुपए किलो है तां आपां 100 रुपयां दे 2.5 किलो ही ले लैंदे आ, ठीक है बई। यानी कि हमेशा उल्टा हुंदा है प्राइस दा ते कंजम्पशन दा, बोलो हाँ। 6-5 या 30 यानी कि खर्चा ना वधिया है ना घटिया है, यह देखो सेम है ना खर्चा 1:1। इन्हें सानू पुछया की है कि एक हाउसवाइफ अपने खपत नू किन्ना घटाए, किनू कंजम्पशन नू किन्ना घटाए, देखो किन्ना घटाएगी बई, पहला 6 सी 5 होगी, किन्नी घट गई 1, कादे ते घटी है ये 6 ते घट रही है ना, 6 ते घट रही है, परसेंट कढ़न वास्ते गुणा कर देंगे 100 नाल, तां साडा आंसर किन्ना आ गया 100/6, 2 दे पाड़े ते 50/3, तां आंसर साडा आ रहा है कोई। आ देखो आ जिहड़ा स्टूडेंट ला के आया है बी ऑप्शन जिहड़ा कि सरासर गलत है, इस सवाल का जवाब की आएगा 50/3, इन्नी खपत नू इन्ने परसेंट खपत नू जिहड़ा है उन्हें कम करना सी, ठीक है बई, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट बोलो, अगर वह एवें भी बोल दिंदा, जे अगर वह एवें एग्जामीनर बोल दिंदा 16/2/3% तो आप एवें लाना सी, क्यों, क्योंकि 16/3 48 ते 2 50/3। मैं दस रहा जिहड़ा 30 नंबर का पेपर आएगा वह तुहानू तुहाडी सिलैक्शन दे कोल पहुँचाएगा। समझ आ गई बई। तो मैं तुहानू किस तरीके नाल मैथमैटिक्स दे भी सवाल करवाया है, पिछला हुसैन बोल्ट वाला भी सवाल कराया है, तुहानू क्वेश्चन पेपर दे विच आ सकदा है। ए बी डिविलियर्स किस देश दे खिलाड़ी सी, साउथ अफ्रीका दे क्रिकेट खिलाड़ी सी ए बी डिविलियर्स। हाँ जी, ए इंग्लिश दा सैक्शन आया हुआ है, स्पैलिंग बताओ बई ल्यूटीनेंट दे, वैसे इहनू लैफ्टीनेंट नहीं बोलते, ल्यूटीनेंट बोलते हैं, ठीक है जी। दसो बई तुसी देखो इहदे च किहड़ा है, आ हुण बच्चा देखो ए ऑप्शन फेर ए लाया है जिहड़ा कि सरासरी गलत है, ठीक है ना। इहदे विच ध्यान देण वाली गल है LIEU आंदा है तां इही ऑप्शन आ गया ल्यूटीनेंट दा। इहदे विच जिहड़े बंदे CDS दा पेपर क्लीयर करदे है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसिज दा पेपर क्लीयर करदे है UPSC दा,
जिहड़ा एक डिफेंस फोर्सेस दे विच एक पेपर हुंदा है वह डायरैक्ट जिहड़ा है ल्यूटीनेंट लगते हैं बई। ठीक है जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जिहड़ा कि कंप्यूटर बेस आया सी उहदे विच तुहानू मैं दसण की कोशिश कर रहा कि चार क्वेश्चनों के पल्ले ही कुछ नहीं है जिहदे जिहड़े हुण तक तुसीं देखे है उन्हां क्वेश्चनों के कुछ भी इहो जिहा नहीं है जिहड़ा तुहानू परेशान कर सके, की कर सके, परेशान कर सके। आ देखो बई, इन्हें बोलिया है पिक द ओल्ड, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का भी बन गया, एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी बन गया, एक क्वेश्चन सॉफ्टवेयर का भी बन गया, एक क्वेश्चन लाइब्रेरी ऑटोमेशन का भी बन गया। एग्जामिनर ने बड़ा दिमाग ला के क्वेश्चन बनाता, इन्हें बोला है कि इन्हों विचों अजीब चुनो। अजीब भाई कौन है? देखो भाई, गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ब्राउजर है। और फायरफॉक्स क्या है? बोलो भाई, ब्राउजर है। और ग्रीनस्टोन ये सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी का, ये ओल्ड है। समझ आ गई भाई? ग्रीनस्टोन याद रखना, इहदा राइट ऑप्शन की आएगा ग्रीनस्टोन। ठीक है ना? हाँ जी। अगला सवाल देखो भाई, डॉक्टर एस आर रंगानाथन मद्रास यूनिवर्सिटी दे विच, ठीक है ना, सब तो पहला उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है भाई। हाँ जी, उस तो बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नू जिहड़ा है 1916 दे विच डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया। इन्होंने कहा, इन्होंने पांच लॉ दिते लाइब्रेरी दे विच, जिहदे विच लॉ वन दे विच की है, फर्नीचर है, लोकेशन है, टाइम है, ये सारा लॉ वन दे विच आ जाता है। ठीक है भाई। तो तुसीं याद रखना है जिहड़े लाइब्रेरी दे पांच लॉ दिते वो किस ईयर पबलिश किए, तो यह गल तुसीं याद रखना। ये 1931 दे विच पबलिश किए, बट बनाए कदों सी एस आर रंगनाथन ने, फॉर्मुलेटेड कदों किए, तैयार कदों किए, 1928 दे विच किए। आसान क्वेश्चन आया भी है पेपर दे विच, देखो भाई। ठीक है भाई। हाँ जी, अब भी जिहड़ा स्टूडेंट साढ़े वट्सएप ग्रुप नाल जुड़ना चाहता है तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, एग्जाम सिटी इस नंबर से 8288-76-200 से तुसी मैसेज करके भी दस सकते हो। हाँ जी, अगला ऑप्शन देखो बई, हाइपर टैक्स। हाइपर टैक्स यानी कि आप गल कर लिए HTML का, या आप गल कर लिए HTTP का। पिछले क्वेश्चन के क्वेश्चन पक्का पेपर च आता है पंजाब के पेपर च, या तो यदि फुल फॉर्म आ जाती है हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कदे एग्जामीनर आ बहुत बार पूछे कि इस का मतलब की होंगे, इस का मतलब होंगे सिक्योर। यदि फुल फॉर्म भी आ सकती है हाइपर टैक्स मार्कअप लैंगुएज। इन्हें बोलिया जिहड़ा हाइपर टैक्स है ना, इसनू किसने बनाया है? तो इहनू बनाया है जी टेड नेल्सन ने, ए इस बच्चे का सही है। ठीक है ना? टिम बर्न ली, इहनू WWW यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड वैब की खोज जिहड़ी है इन्होंने की सी। तो तुसी ये राइट ऑप्शन कहड़ा गया, इहदा बी ऑप्शन इसे सवाल का राइट ऑप्शन है, कंप्यूटर दे लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो यह सवाल है। हुण आ गया जी जिहड़ा सैक्शन दे विच तुसी नंबर लेने हैं, की करना है तुसी नंबर जिहड़े सैक्शन च लेने हैं वह ये है। ये बच्चा देखो फिर गलत करे है, मेरी गल सुनो, हुण मेरी गल सुनो। मैं हुण ही इसे क्लास के थलड़े साइड से लाइब्रेरी मैनेजमेंट MCQ की क्लास लगी हुई है, उस 25-26 क्वेश्चनों तुसी जरूर देखना है, उहदे विच तुहानू अंदाजा लग जाएगा। इन्होंने बोलिया कलैक्शन डिवलपमेंट प्रिंसीपल इज स्टेट दैट द बेस्ट रीडिंग टू लाइब्रेरी इन लीस्ट कोस्ट, बेस्ट रीडिंग टू द लार्जेस्ट इन लीस्ट कोस्ट। संग्रह विकास सिद्धांत जो कहता है कि घट्टो घट कीमत से सब तो वधिया सिक्ख्या लई सब तो वधिया केड़ी प्रस्तावित है, केड़ी चीज़ प्रस्तावित, थोड़ा जो उत्थों कट्टिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक किने गल कही सी, बच्चा की ला के आया है? बी ऑप्शन ला के आया एस आर रंगनाथ। देखो भाई, सब तो पहला तो एक गल ध्यान देनी है कि जिहड़ा कोलन क्लासीफिकेशन तैयार जिहड़ा कीता सीगा वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किया, जिहड़े फादर ऑफ, ठीक है ना, लाइब्रेरियन साइंस कहे जाते हैं भारत के। ठीक है भाई। लुथार गुलिक, इन्होंने कीड़ा प्रिंसीपल दिते, ठीक है ना, ये तुसी देख ही सकते हो। इन्होंने दसिया प्लानिंग के बारे, ऑर्गनाइजेशन के बारे, ठीक है ना, डायरेक्टिंग के बारे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग के बारे, रिपोर्टिंग के बारे, बजटिंग के बारे इन्होंने प्रिंसीपल दिता। ठीक है भाई, ये तुहानू पता ही है। ठीक है जी। मेलवी डोवे 1876 दे विच इन्होंने, ठीक है ना, उदों ही DDC की इन्होंने स्थापना की। समझ आ गई बई?
डोवे डेसीमल क्लासीफिकेशन पहला एडिशन 1876 के आया यूके लाइब्रेरी एसोसीएशन बनी सी उदों ही अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसीएशन बनी दुनिया की सब तो वड्डी और तो इस क्वेश्चन दे ये गल किने कही सी ए सिद्धांत किसने दिता सी कलेक्शन डेवलपमेंट का ए मेलवी डोवे ने दिता सी तो याद रखना मेलवी डोवे ने कहा सी ये भी सवाल पेपर दे विच आया हुआ सी तुहानू ये बिल्कुल याद रखना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुस बुक ठीक है ना ठीक है जी नंबर बुक नंबर ए किनिया डिजिट है ये गल सब तो पहला तुसी याद रखना है ये 13 डिजिट है ठीक है जी हाँ जी ठीक है बी ए इसने बोलिया की है विच नैशनल एजेंसी इन इंडिया रिस्पोंसिबल फॉर असाइनिंग द ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर इनू कौन एजेंसी नू रिस्पोंसिबल है तो इनू रिस्पोंसिबल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आंदा है ठीक है भाई RRL राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन समझ आ गई भाई ठीक है जी नेशनल केमिकल लिमिटेड पार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ठीक है ना तो ये स्पेस के रिगार्डिंग है तो वही है RRF यानी कि आप गलबात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यदा चेयरमैन जिहड़ा है नियुक्त करता है हिजरबर्ग थ्योरीज डील विद ठीक है भाई इन्होंने थ्योरी दिती का दी ठीक है ना इन्होंने थ्योरी दिती कि उत्ते बेस है मोटिवेशन याद रखना समझ आ गई भाई तो यह गल तुसी याद रखना है हाँ जी जिदे विच आपा गलबात कर सकते हैं तो कल पेपर के भी आ सकता है थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई मैनेजमेंट रिगार्डिंग ठीक है भाई हाँ जी ये मैं तुम्हें दस रहा ये साढ़े ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं ये साढ़े ऑफलाइन कोर्स चल रहे हैं बेहतरीन जोड़े बैच चल रहे 792 वीडियो पंचायत सैकटरी की भर्ती आ रही है ठीक है ना पटवारी की भर्ती आ रही है ये भी पेपर तुम दे सकते हो क्योंकि तुम ग्रैजुएशन हो तुसी ता एक्स्ट्रा पेपर दिता है लाइब्रेरियन का समझ आ गई बई हाँ जी अगला देखो बई की सिस्टम डाइजेस्ट इज डाइजेस्ट क्या है एक बुलेटिन है एक ऑर्गेनाइजेशन है जेडी की करती है बुलेटिन रिलीज करती है न्यूज़पेपर मतलब रिलीज करती है एक ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि बुलेटिन और न्यूज़पेपर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डाइजेस्ट ठीक है जी तो यह गल तुसी याद रखना है बच्चा छड़ के आया है आगे देखो ठीक है ना रिसोर्स डिस्क्रिप्शन असेशन ठीक है जी तो इस किस किस दे नाल एसोसिएटेड है ठीक है ना ये न्यू स्टैंडर्ड है ये कैटालोगिंग दे नाल जेड़ा है संबंधित है कैटालोगिंग दे नाल जेड़ा है संबंधित है भाई ठीक है भाई हाँ जी अगला देखो ठीक है भाई The term bibliography was first used in first time. 12th question जेड़ा है अपना ये है किस दे द्वारा पहली बार bibliographic शब्द वर्त्या गया ठीक है ना जेड़े बच्चे का यह पेपर है उन्हें डी ऑप्शन लाना लाया है तुसी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के विच देना है कि इसका जवाब की हो सकता है हालांकि जेड़े पेड बच्चे है उन्होंने मैं मंडे तो शुरू करूंगा बिबलियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन उन्होंने उदों पता लग जाएगा पर जेड़े बच्चों ने जेड़े यूट्यूब वाले बच्चे हैगे है उन्होंने जिन्होंने MCQ की तैयारी करनी है इस एक क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दसना है ठीक है भाई ये देखो भी ना तो ऑप्शन ए आऊगा कटर ठीक है ना आएगा SR रंगानाथन जी तो तुम मैं ये दसना है इन दोवों मैं तुम्हें 50-50 करता भी दसो मैनू इन दोवों के आंसर आएगा समझ आ गई तो यह क्वेश्चन थोड़े लिए होमवर्क है यदा जरूर मैं जवाब देना है विद डिस्क्रिप्शन ये खास गल की है वो तुम मैं जरूर दसनी है हाँ जी अगला क्वेश्चन ध्यान देना द एंट्रीज इन द क्लासीफाइड पार्ट ऑफ इंडियन नैशनल बिबलियोग्राफिक आर अरेजमेंट एज पर किस दे विच दर्शाया गया है किस दे अनुसार व्यवस्थित किया गया है उन्होंने डोवे डेसीमल क्लासीफिकेशन के हिसाब न ਕਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 22ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਕਿ 22ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ
किन्ने की है अपने चैप्टर है या ग्रुप है, ठीक है जी, किन्ने चैप्टर है, ये सारी गल्लां मैं तुहानू दस्या विया है, समझ आ गई बई। हाँ जी, लेटेस्ट एडिशन केड़ा है ये भी मैं तुहानू दस्या विया है, ठीक है ना, किन्निया क्लास है, ठीक है ना। हाँ जी, अगे देखना है, ठीक है ना। हाँ जी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लास्ट ऑप्शन एदा ए एलसी लिखा वे, ठीक है ना, एलसी। हाँ जी, अगला जेड़ा क्वेश्चन आया सी पेपर दे विच, अजे तक क्वेश्चन दे विच कुछ भी नहीं आया, देखो सारे मेरे करवाए चो आए आ रहे हैं, ठीक है। कॉल नंबर ऑफ ए लाइब्रेरी बुक कंसिस्ट ऑफ क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, ऑल द अबव, इस दे सारे जेड़े ऑप्शन है वो करेक्ट है। मैं दो तीन बार क्वेश्चन ये अगे भी करा चुका हाँ। हाँ जी, जेड़ा एसेशन रजिस्टर है, ध्यान रखना, एसेशन जेड़ा रजिस्टर है ये की है, ये परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट तो आए ही क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, एदा याद रखना तुसी। मैं तुहानू की कह रहा हाँ, एक परमानेंट रिकॉर्ड हुंदा है, एदा साइज की हुंदा है 16:13 इंच, ठीक है बई। हाँ जी, ये बोल रहा है ये किन्ने कोलम्स ने, स्टैंडर्ड कोलम किन्ने ने, ये 14 कोलम ने, ये गल याद रख, ठीक है बी। एक ही क्वेश्चन लाइब्रेरी मैनेजमेंट तो आया हुआ है, ठीक है बी। हाँ जी, तो तुसी उन गल्लां दा ध्यान रखना है बई, ठीक है बी। हाँ जी, अगला देखो, तो ये आप गलबात की करांगे, पेटेंट की है। देखो बई, एक सवाल आया गया पेटेंट का, IPR इंडियन पेटेंट, तो एक सवाल आ चुका है कि पेटेंट का मतलब की है। मान लो मैं कोई इस बोर्ड का अविष्कार करता, डिस्कवरी करती, तो मैं पेटेंट करवा लिया, ठीक है ना, भी यदि कोई नकल मार के भी यह ना बनाए, यानी कि समझ आ गई, तो यानी कि मेरा और सरकार नाल की हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। तुसी याद रखना है, इस बच्चे का सवाल जेड़ा है वो सही है, बाकी इन्हें बथेरे जे सवाल जेड़े है वो गलत दिते है, ठीक है ना। एग्रीमेंट बिटवीन इनवेस्टर एंड गवर्नमेंट, नाले दी पेपर की कोई ज्यादा मेरिट नहीं गई सी, जेड़े बच्चे कैटेगरी तो बिलोंग करते हैं BC या SC, ठीक है ना, उन्हों की मेरिट तो 55-56 नंबर ही गई सी, ठीक है ना। जनरल दी मेरिट वधण दा कारण की है कि अदर स्टेट दे बच्चे जेड़े हैगे, राजस्थान दे, गंगानगर, सादुल शहर दे, हनुमानगढ़ दे, वो बच्चे ने ज्यादा सिलेक्शन पंजाब च लै चुके हैं 693 च। 17वां क्वेश्चन अपना आ गया, हैडक्वाटर ऑफ IASLIC, इहदा हैडक्वाटर कित्थे है, तां इहदा हैडक्वाटर कलकत्ता दे विच हैगा है, तां इह गल बिल्कुल सही है कि इहदा हैडक्वाटर जिहड़ा है कलकत्ता दे विच हैगा। तुसी याद रखना है किस तरह के क्वेश्चन पेपर दे विच आए। स्मालेस्ट यूनिट ऑफ डाटा केड़ी यूनिट है, बिट है, उस तो अगे निबल है जिदे विच 4 बाइट है, बिट है, उहदे बाद बाइट है, उहदे बाद मेगा किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट है, फिर पीकोबाइट है, फिर जीटाबाइट है, इस तरह नाला है, ठीक है भाई। हाँ जी, अगला देखो, बुक कैटालोग, सेल्फ कैटालोग और कार्ड कैटालोग। सब तो पहला देखो, कार्ड कैटालोग 5x10 इंच, ठीक है ना, तो याद रख, समझ आ गई भाई, किस फॉर्म दे विच है, फिजिकल फॉर्म दे, ठीक है भाई, तो ये गल तुसी याद रखनी है। अगला जेड़ा है, अजे तक 20 क्वेश्चन कराते, एक भी क्वेश्चन तकड़ा नहीं आया। मैं ही तुहानू दस्या है भी केड़े दे विच आपां DTC पढ़ांगे, केड़े दे विच आपां CC कॉलम दे विच आपां जानकारी दित्ती है, एक्स्ट्रा जानकारी तुहानू मैं ज्यादा दित्ती है, ठीक है ना। हाँ जी, फुल फॉर्म ऑफ OPAC बताओ, ये क्वेश्चन देने वाला है कोई, ठीक है ना। देखो भाई, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग केड़ा ऑप्शन आएगा, आ ओपन वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ऑनलाइन प्राइवेट वाला वैसे ही गलत हो गया, एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन वैसे तुहानू बिल्कुल पता है कि ऑप्शन यही है, पर चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं भी, ये जेडे होर ऑप्शन है ये क्यों गलत है, की करना है, क्यों गलत है, समझ आ गई बई। तो इन्हां गल्लां दा तुसी जरूर जेड़ा है ध्यान देना है। ये साडा टैलीग्राम चैनल है, इन्हों तुसी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना, ताकि तुहानू आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं तुहानू फिर समझाने की कोशिश कर रहा हाँ, मैं तुहानू फिर दसण की कोशिश कर रहा हाँ कि आ देखो बई, मैं तुहानू 20-20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 80 क्वेश्चन पेपर दे विच आए है, 4 वीडियो इहदी होर आएगी जिदे विच मैं तुहानू बेहतरीन तरीके नाल सारियां गल्लां जिहड़ा है दसदा रहूंगा। तां इह क्वेश्चन कदों दा पेपर है, 30 अक्तूबर 2022 दा है। देखो तुहाडे वास्ते किन्ना क डाटा मैं लैके आया, समझ आ गई, मैं किन्नी कोशिश कर रहा
ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 292 ਪੋਸਟਾਂ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੈ ਹਿੰਦ।